हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे से? और मैं भी अच्छे से हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? क्या बनाने का प्रोग्राम है आज? कुछ अच्छा सा अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ कि आज मैं आप सबके लिए कभी जब मन कहे हल्का फुल्का सा बनाना है, लेकिन उसमें क्या ऐसा मिला दें जिससे हमारा खाने का स्वाद अच्छा हो जाए। जैसे कि आलू टिक्की बना रहे हैं, आलू की कचौड़ी बना रहे हैं, या आलू कचालू बना रहे हैं, भेलपूरी बना रहे हैं, ये सब तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें क्या ऐसा पड़ता है जिससे कि उसका स्वाद अच्छा हो जाए। तो उसी के लिए मैं आज आप सबके लिए लेकर के आई हूँ मीठी चटनी। मीठी चटनी, हाँ आपने सही सुना कि मीठी चटनी बनाने की जो भी रेसिपी है वो आज मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये मीठी की चटनी जो आपको जो बना के दिखाएंगे हम, इसको आप अपने पास रख भी सकते हैं, एक महीने, दो महीने, तीन महीने ख़राब नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेती हूँ। इसको आप बना करके अपने फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपका दिल करे कि आज मुझे भेलपूरी बनाना है, आज मुझे आलू कचालू बनानी है, तो सब में इसका आप डाल करके एकदम स्पाइसी टेस्टी टेस्ट ले करके बनाइए चटपटा, और खाइए, इंजॉय कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों कि क्या है, कैसे बनाना है उसको बताते हैं, और क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए, है ना। तो सबसे पहले जब चटनी बनानी है तो हमने सबसे पहले ये लिया है इमली, और इमली को भिगा दिया है, ये मैंने दो तीन घंटे भिगा दिया है जिससे कि अच्छे से फूल गई है। आप बाज़ार में मिलती है इमली, आप ले लीजिएगा, सब्जी वालों के पास भी मिलती है, पंसारी की दुकान में भी मिलती है, आसानी से मिल जाएगी। इसको ले लेंगे और इसको भिगा देंगे, दो तीन घंटे भिगा देंगे, उससे अच्छा सा पल्प इसका निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इमली। ये थोड़े से किशमिश लिए मैंने, और ये अदरक का टुकड़ा, इससे जो स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरक या तो सोड डाल दीजिए अगर अदरक नहीं है आपके पास, लेकिन मेरे पास ताजी अदरक है, इसको डालेंगे तो और अच्छा स्वाद हो जाएगा ना, इसलिए। नहीं तो आप सोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी सोल्ट, है ना। और ये थोड़ा सा जीरा, ये हो गया गुड़, जिसके बिना बनाना मुश्किल है, इसी से हमें मीठा करना है ना, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग चीनी का भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा फायदेमंद है सबके लिए, इसलिए अगर गुड़ उपलब्ध आपको हो तो गुड़ से ही बनाइएगा इसकी चटनी, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तो आइए चलते हैं दिखाते हैं। ये देखिए गैस हमने ऑन कर दी, गैस को गर्म करने के लिए रख दिया। एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये व्रत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नवरात का व्रत रह रहे हैं, सोमवार का व्रत रह रहे हैं, तो उसमें भी जैसे व्यंजन बनाने होते हैं तो उसमें भी आपके लिए ये हेल्प करेगा, बना के रख लेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा देसी घी, बहुत थोड़ा सा डाल दिया है, और उसी में ये जीरा डाल देंगे, और इसको जो है पकने देंगे थोड़ा सा, जीरे का जीरा जो है हमारा भुनेगा, और साथ में क्या करेंगे, ये जो है इसका जो मैंने भिगाया था ना इमली, अब इसको जो है इसका पानी छान लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पानी हमने छान लिया इसका, ये पानी से भी जो है आपका चटनी बन जाएगा बहुत अच्छा। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या करेंगे इसमें हम। ये जीरा भी देखिए हो गया, तो अब ये वाला पानी तब तक हम इसमें डाल दिए। अब ये जो हमारा बचा है, बहुत सारा जो बचा है ना, ये देखिए पल इमली का, अब इसको निकालना है। अब इसको जो है निकाल करके छानने करके, और हम जो है इसमें डालते जाएंगे, बस तैयार हो जाएगा हमारा। और ये जो खराब वाला है ना, जो गड़बड़ आइटम, इसको हटा देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे करते जाएंगे, और इसका जो पल्प निकलता जाएगा इसको हम ऐसे धीमे धीमे छानते जाएंगे, जितना निकलेगा ठीक है, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, चटनी तो बन के तैयार होगी मेरी। इसमें जैसे नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी तो हमारा सही से निकल पाए, क्योंकि इतना गाढ़ा गाढ़ा छन्नी से छन भी नहीं रहा था ठीक से, इसलिए थोड़ा सा हमें पानी डाल करके उसको निकालना पड़ा, और छन्नी भी थोड़ी सी छोटी है, बड़ी छन्नी होती तो एक मिनट में हो जाता है ना, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। आपके पास अगर बड़ी छन्नी है तब तो आपका फटाफट हो जाएगा, और अगर मेरी तरह छोटी है तो उसमें एक दो मिनट लग जाएंगे। ये देखिए जैसे कि निकल रहा है, इसको हम हटाते जाएंगे,
इसका जो भी अभी हमने बताया था ना आपको ऐसे करके निकालते समय, वो सारा हमने हटा दिया, ठीक है। सिर्फ इसका पानी और इसका जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है ना, सिर्फ इसी को रखेंगे और इसी को डाल डाल करके हम चटनी बना देंगे। छान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये देखिए, चाहते तो मोटा मोटा ऊपर से निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इस टाइप के पीसेस आ गए मुँह में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और लकड़ी जैसा इमली का ऊपर का हिस्सा आ जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, मुँह के बीच में आ गया खाते समय, इसलिए ये सब थोड़ा सा काम करना पड़ता है। इसलिए झंझट है लेकिन फ़ायदा भी है, क्योंकि आपके पास ये काफ़ी दिनों तक चलेगी चटनी। एक जार में भर के रख ली और महीनों आराम से आप इस्तेमाल की, और जब ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा बना लें, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और बतानी थी दोस्तों आप लोग को, जैसे वीडियो में कुछ काम करते समय समय लग जाता है तो लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये करने से तो वीडियो की जो मेन चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे बीच में मैंने कोई स्टेप बताया वो स्किप करके आप लास्ट तक पहुंच गए, तो पता चला अब देखिए मैंने इसको हाथ से और दबा दबा के निकाल दिया, जैसे ये देखिए बताया ना। अब अगर आपने स्किप कर दिया आगे बढ़ गए तो पता चला मेन चीज़ रह गई। अब इस पानी को भी देखिए जो हमने गाढ़ा गाढ़ा निकाला है ना, इसको भी इसी में डाल देंगे। एक बार हल्का सा चला दिया, गैस को तेज कर देंगे अब हम। ये देखिए पानी है, अब ये हमारा साथ में हमने गुड़, ये चार गुड़ लिए थे मैंने, देसी गुड़ है, इनको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा डाल दिया, फोड़ने से आसान रहेगा इसलिए। और पूरा पूरा ढेली जैसे डाल देंगे तो सही नहीं रहेगा, उसको पकने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, ये जल्दी गल जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा गुड़ को मैंने तोड़ दिया है। और चार गुड़ लिए हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं, चार गुड़ लिए हैं, एक कटोरी इमली का पल्प लिया है ना। इन सब चीज़ों को आराम से पकाएंगे और इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए, फिर आगे का स्टेप करते हैं। आके ये देखिए इसको ढक देते हैं, 5 मिनट बाद आके चेक करते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए, हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। गुड़, ये देखिए गुड़ जो हमने डाला था वो एकदम गल गया है और चटनी जो है एकदम अच्छे से खोल गई है। अब इसी समय हमको क्या करना है, सॉरी, किशमिश के ये दाने हैं इसको इसमें डाल देंगे। इसमें आप चाहें तो छुआरा भी काट के डाल सकते हैं, ये किशमिश के दाने डाल देंगे इसमें, और जो अदरक ली थी उसको कूट करके, अदरक की जगह आप सोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बताया कि ताजी अदरक है मेरे पास इसलिए हम इसको डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों निकाल के दिखाते हैं, ये अदरक और किशमिश सब कुछ डाल करके, ये देखिए बहुत अच्छा इसका रसा है अदरक का, वो भी डाल देंगे क्योंकि उससे ही स्वाद आ जाएगा अच्छा सा, और स्वाद आ गया तो चटनी बढ़िया बन के तैयार। अब इसको बस थोड़ा सा 3 मिनट के लिए और ढकते हैं और इसको जो है एकदम ये चटनी बन के तैयार है ना। गुड़ भी हमारा गल गया है, अदरक जो डाली है थोड़ी सी वो इसमें पक जाए अच्छे से, और किशमिश है वो थोड़ी फूल जाएगी जब पक जाएगी तो खूब अच्छे से। फिर 3 मिनट बाद आकर के हम आपको इसको दिखाते हैं कि कितनी जल्दी झटपट बन के तैयार हो गई और महीनों आपके काम आएगी ऐसी चटनी, स्वादिष्ट भी। चलिए ढक देते हैं सिर्फ 3 मिनट में। दोस्तों देख लेते हैं, 3 मिनट हो गए, ये देखिए और जो चटनी एकदम बन बन के तैयार हो गई है। ढक्कन हटा देते हैं, अब इससे ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। 5 मिनट पहले, 3 मिनट बाद में, 8 मिनट में आपकी ये गुड़ की चटनी बहुत अच्छे से बन के ये देखिए तैयार हो गई है खाने के लिए। इसको ठंडा करेंगे और आराम से किसी भी रेसिपी में मिला करके, दही बड़े में, आलू टिक्की में, आलू कचालू में, भेलपूरी में आप मिला के खा सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको आपके लिए। ये देखिए निकाल के इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। है ना अच्छी बन गई। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बन करके मीठी गुड़ की सोट वाली चटनी,
अदरक वाली चटनी बनके तैयार हो गई, जो आपके पास काफ़ी समय तक रह सकती है और अच्छी रहेगी, खराब नहीं होगी, है ना। इसको व्रत में भी आप इस्तेमाल कीजिए, वैसे भी खाइए, जैसे मन कहे आप खाइए, लेकिन एक बार बना करके ट्राई जरूर कीजिएगा कि ये चटनी कैसी बनी। इसमें कोई नमक मैंने नहीं डाला है, जिससे कि आप जब जैसे समय में खाएं उस हिसाब से अपना नमक अपनी जो भी रेसिपी बनाएं उसमें डालें। इसमें नमक चटनी में डालने की कोई आवश्यकता नहीं। साथ में मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, कोई भुना मसाला नहीं डाला, सिंपल जीरा डाला पहले आप लोग सामने, वो भी देसी घी में तड़का लगाकर, और ये चटनी बनकर तैयार होगी। इसको बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा आपको, मुझे भी नहीं लगा। अब इसको बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने बनाई, कैसी लगी आपको, और इसको लाइक कमेंट शेयर चटनी कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा। अगर ये अच्छा लगी रेसिपी आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, उसको मत भूला कीजिए। थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे चैनल को देख करके सब्सक्राइब किया कीजिए, कविता देसी किचन। थैंक यू दोस्तों।